बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता और राजनेता विनोद खन्ना का जन्म एक व्यापारिक परिवार में 6 अक्टूबर 1946 को पेशावर में हुआ था। उनका परिवार 1947 में हुए भारत पाक विभाजन के बाद पेशावर से मुंबई आ गया था। उनके माता पिता का नाम कमला और किशन चंद खन्ना था। 1960 के बाद की उनकी स्कूली शिक्षा नासिक के एक बोर्डिंग स्कूल में हुई थी। उन्हीं दिनों उन्होंने फिल्म 16 साल और मुगले आजम देखा और उन्हें मोशन पिक्चरों से प्यार हो गया। उसके बाद नासिक में ही उन्होंने सिद्धेहम कॉलेज से कॉमर्स में डिग्री हासिल की। करियर। उन्होंने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1968 में आई फिल्म मन का मीत से की, जिसमें उन्होंने एक खलनायक का किरदार अदा किया था। कई फिल्मों में उल्लेखनीय सहायक और खलनायक के किरदारों को निभाने के बाद 1971 में उनकी पहली सोलो लीड हीरो वाली फिल्म हम तुम और वो आई, जो बॉक्स ऑफिस में सफल रही। उसी साल गुलजार द्वारा निर्देशित मल्टी हीरो फिल्म मेरे अपने में काम किया। 1973 में गुलजार की ही फिल्म अचानक में उनके आर्मी ऑफिसर के रोल को काफी सराहा गया। करीब 1982 तक उन्होंने बतौर लीड रोल हीरो, फरेबी, हत्यारा, कैद, जालिम, इनकार, गद्दार, आपकी खातिर, राजमहल, मैं तुलसी तेरे आंगन की, खून की पुकार, आधा दिन आधी रात, ताकत, जेल यात्रा, दौलत, कुर्बानी जैसी फिल्मों में काम किया। आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, कुदरत, राजपूत, प्रेम कहानी आदि फिल्मों में उन्होंने कैरेक्टर रोल को निभाया। करीब 47 मल्टी हीरो फिल्मों में उन्होंने स्टार किया, जिनमें हाथ की सफाई, डाकू और जवान, एक हसीना दो दीवाने, परिचय, बेचारा, रखवाला, पत्थर और पायल, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, परवरिश जैसी कुछ फिल्में हैं जिन्हें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, धर्मेंद्र, सुनील दत्त, रणधीर कपूर जैसे हीरो के साथ स्टार किया। कुछ वर्ष के फिल्मी संन्यास के बाद उन्होंने अपनी दूसरी फिल्मी पारी भी सफलतापूर्वक खेली और 2016 तक फिल्मों में सक्रिय रहे। उन्होंने करीब 145 से भी ज्यादा भारतीय फिल्मों में काम किया। 2007 में पाकिस्तानी फिल्म गॉडफादर में उन्होंने लीड रोल अदा किया था। 1997 से गुरदासपुर से भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रूप में राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। उन्हें केंद्रीय मंत्रालय के पदों में भी नियुक्ति हासिल हुई। निजी जिंदगी। विनोद खन्ना की शादी 1971 में गीतांजलि के साथ हुई, जिनसे उनके दो बेटे राहुल खन्ना और अक्षय खन्ना हुए। 1975 में वे श्री रजनीश बाबा के अनुयायी बन गए। 1980 के शुरुआती दौर में यूनाइटेड स्टेट्स में स्थित ओशो की संस्था रजनीशपुरम चले गए और वहां वे बर्तन साफ करने का काम और ओशो के बगीचे में माली का काम करते हुए करीब 5 साल तक रहे। भारत में रह रहे उनके परिवार में उनकी इस गैर हाजिरी की वजह से घर्षण पैदा हो गया और उनकी शादी तलाक में तब्दील हो गई। 1990 में उन्होंने कविता से शादी की। उन दोनों का एक बेटा साक्षी और श्रद्धा नाम की एक बेटी है। अवार्ड्स। 1975 में फिल्म हाथ की सफाई के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था। 1977 और 1979 में फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड के लिए तथा 1981 में फिल्म कुर्बानी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए थे। 1999 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2001 में कलाकार अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट, 2005 में स्टारडस्ट अवार्ड्स रोल मॉडल ऑफ द ईयर और 2007 में जी सिने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुए। डिहाइड्रेशन की शिकायत की वजह से 2 अप्रैल 2017 को उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती किया गया था। कुछ सप्ताह तक अस्पताल में रहने के बाद 27 अप्रैल की सुबह को उन्होंने आखिरी सांस ली। कहा यह गया कि ब्लैडर कैंसर से लंबे समय तक जूझने के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
हालांकि 2017 के शुरुआती दौर से ही बीमारी की वजह से उनकी बिगड़ती हालत के बारे में उनके परिवार वालों ने बताने से इनकार कर दिया। अपने आखिरी वक्त पर विनोद खन्ना अपने बच्चों, परिवार और पत्नी कविता के बीच थे। अपनी फिल्मों की वजह से उन्होंने कई लोगों के दिल में अमिट छाप छोड़ी है। कड़ी मेहनत और लगन से फिल्म और राजनीति के क्षेत्र में खास जगह बनाने वाले विनोद खन्ना एक चमकते सितारे के रूप में हमेशा अपने चाहने वालों को प्रेरित करते रहेंगे।